हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशु दोस्त और आप देख रहे हैं आयस अकेडमी से। तो कल यानी कि 14 तारीख को आपका कॉमेट के 2021 का पेपर फाइनली खत्म हो चुका है। आपने अपना एग्जाम दे दिया, आपको पता चल गया हो कि अपने एग्जाम आपका कैसा गया है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो पेपर रहा वो कैसा रहा, कट ऑफ कैसा आ सकता है, कट ऑफ हाई रह सकता है, लो रह सकता है, कितने बच्चे अपीयर हुए, कौन से शिफ्ट में कैसा पेपर था। मैंने यहाँ पर बच्चों से पूछा है तो मैंने बच्चे से रिस्पॉन्स लिया है, तो उस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि पेपर कैसा था सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, दोनों शिफ्ट का पेपर वाइज, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आपको इस पेपर इस ईयर कितने बच्चे अपीयर हुए, फिर कट ऑफ कैसा रह सकता है, हाई रह सकता है या लो रह सकता है। ये सब कुछ मैंने बच्चों से पूछा है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे शिफ्ट खत्म हुआ वैसे वैसे मैंने बच्चों से पूछा। मैंने सोचा था कि एक रिएक्शन वाला वीडियो बनाऊंगा, बट वो नहीं बन पाया क्योंकि मेरा अभी कॉलेज चल रहे हैं, उस कारण से मेरा वो रिएक्शन वाला वीडियो नहीं बन पाया, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट यहाँ पर मैंने बच्चों से रिएक्शन लिया है, मैसेज करके लिया है, कमेंट में लिया है, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ कि मेजोरिटी बच्चों ने क्या कहा, एक ओवरऑल एवरेज डेटा क्या आया हमारे पास। तो अगर हम बात करें शिफ्ट वन पेपर की जो कि कल हुई कमेंट की, तो उसमें आपको जो मैंने मुझे बच्चों से मिला, मुझे देखिए मैं मेजोरिटी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का जो है अच्छा गया है, बहुत सारे बच्चों का खराब गया है, बट जो मेजोरिटी गया है वो उसके बारे में बात करूंगा। मेजोरिटी क्या आया है निकल के, उसका एवरेज क्या निकलता है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। शिफ्ट पेपर शिफ्ट वन के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, तीन सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। हर एक पेपर में तो दोनों शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन था। तो जो मुझे ये जानकारी मिला बच्चों से, वो मुझे जानकारी मिला कि जो फर्स्ट शिफ्ट वन था उसमें केमिस्ट्री जो था वो लिटिल बिट टफ था, ठीक है, केमिस्ट्री लिटिल बिट टफ था, और मैथ्स जो था वो इजी था बट लेंदी था, ठीक है। मैथ्स इजी था बट लेंदी था, केमिस्ट्री टफ था, और जो फिजिक्स था वो बहुत इजी था, ठीक है। तो शिफ्ट वन में यही था कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा इजी था, केमिस्ट्री बच्चों को टफ लगा थोड़ा, और जो मैथ्स था वो इजी था बट लेंदी था, उसमें टाइम लगा। बट जो मुझे बच्चों से रिस्पॉन्स मिला, मैंने पूछा कि बच्चों से कि जो मेरे कोर्स में है, जो मेरे से सब्सक्राइबर है, उन सभी से मैंने पूछा जिनसे मुझे बात होती है, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने 180 169 170 क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, बहुत सारे 150 प्लस करके आए, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने टाइम मैनेज भी सही से किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोले कि बहुत सारे क्वेश्चन करके उसका बहुत सारा क्वेश्चन तुक्का ही मारा है, तो वो सही चीज़ है, तुक्का मारना चाहिए इस एग्जाम में, क्योंकि नॉन नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन होता है, तो इस एग्जाम में जो है ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा करेगा। तो इसीलिए इन्होंने बच्चों ने किया, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था तुक्का ही मारना है, तो बच्चों ने ये किया और ये सही है बिल्कुल। और मैंने ये भी पूछा था बच्चों से कि आपको अगर मैं 10 में से आप कितना रेट करोगे हार्डनेस ऑफ पेपर, तो शिफ्ट वन की मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6, एक बच्चे ने 4 रेट किया, एक बच्चे ने 6 रेट किया, ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 तक गया, ठीक है। बहुत सारे 6 से ऊपर नहीं गया, बहुत सारे बच्चे 5 6 5 6 ऐसे किए, 4 किए, ठीक है, तो 6 से ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब यही पता चलता है कि शिफ्ट वन का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। कई बच्चों को बहुत अच्छा लगा, कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुआ, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो जो मेजोरिटी हुआ उसके हिसाब से शिफ्ट वन का पेपर जो था वो मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, इजी भी लगा बहुत सारे बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, तो इजी टू मॉडरेट हम कहेंगे उसको। शिफ्ट टू की बात करें तो शिफ्ट टू के बारे में मुझे जानकारी मिला कि शिफ्ट टू में फिजिक्स जो था वो टफ था, ठीक है, शिफ्ट टू में फिजिक्स टफ आ गया था, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी आ गया था, और मैथ्स था, मैथ्स का सेम था कि इजी था बट लेंदी था, ठीक है। तो मैथ्स टाइम टेकिंग था, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था, फिजिक्स जो था बहुत ज़्यादा हार्ड था एज कम्पेयर टू प्रीवियस, जितने क्वेश्चन आए हैं बताया बच्चों ने कि जो प्रीवियस 2020 में आया था उसके हिसाब से उनको हार्ड लगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया था उसके हिसाब से उनको हार्ड लगा। तो आप भी जान दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आपसे ही मैंने पूछा, आप में से बहुत सारे बच्चों आप में से मैंने पूछा है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपको लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिजिक्स थोड़ा टफ लगा बच्चों को और केमिस्ट्री इजी लगा सेकंड शिफ्ट में, मैथ्स इजी था बट लेंदी था। तो देखिए शिफ्ट टू की बात करें तो शिफ्ट टू जो था वो थोड़ा मॉडरेट टू थोड़ा टफ था, ठीक है, ज़्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे उसको टफ, थोड़ा टफ था, क्योंकि फिजिक्स जब टफ आ गया तो उस कारण से पेपर थोड़ा टफ हो गया, ठीक है। वैसे जहाँ पे फिजिक्स इजी आ गया, केमिस्ट्री कितना भी टफ हो जाए उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट जहाँ पे फिजिक्स टफ हो गया वहाँ पे समझिए कि पेपर टफ होने वाला है और वो पेपर फंसने वाला है, ठीक है, बच्चों में। तो इसीलिए सेकंड पेपर जो था, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ रहा, मतलब बहुत सारे बच्चों को मॉडरेट लगा और जिनका प्रिपरेशन अच्छा था और वो जिन बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगा। तो देखिए मेजोरिटी की बात करेंगे तो मेजोरिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट टू टफ इसलिए, और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट। तो
यही हमारा शिफ्ट वन शिफ्ट टू के पेपर का रिएक्शन था बच्चों के तरफ से, आप लोगों की तरफ से। आपने एग्जाम दिया था आपको पता होगा, और आंसर की भी बहुत जल्द आने वाला है। अपने आंसर की वैसे सारे अदर वेबसाइट्स पर आपको आंसर की मिल गया होगा, ठीक है। तो आंसर की भी आने वाला है, ऑफिशियल आंसर की भी आपको 17 तक आ जाएगा, 17 सितंबर तक, थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको वो ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा, और रिजल्ट आपको एक सप्ताह के अंदर में आ जाएगा, मतलब 21 से 22 तक आ जाएगा आपको, ठीक है। 21 से पहले ही आ जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट कीजिएगा। और इस ईयर जो है वो परसेंटाइल में आपका आने वाला है, मार्क्स मतलब परसेंटाइल में दिखाया जाएगा, उसी हिसाब से आपको रैंक डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कितने बच्चे अपीयर हुए। देखिए जो डेटा अभी निकल के आ रहा है, जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, तो जो अभी डेटा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि 60 to 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 44,000 बच्चे अपीयर हुए। पिछले ईयर से अगर कंपेयर करें हम लोग तो सेम वही हुआ, पिछले ईयर भी 60 to 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 43,000 उस टाइम बच्चों ने अपीयर किया था, और इस टाइम जो है वो 1,000 एक्स्ट्रा 44,000। अभी के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसके हिसाब से ये है, आने वाले दिनों में अगर डेटा चेंज होता है तो देखिए हम इसको अभी कन्फर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये करंट डेटा है, ठीक है। अभी सडन डेटा जो अभी मिला है उसके हिसाब से अभी हम एक एस्टिमेट लगाया जाता है, ठीक है, कन्फर्म डेटा नहीं होता है, एस्टिमेट लगाया जाता है। अभी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो बनाएंगे जिसमें परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स हिसाब बताएंगे आपको, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कंफर्म डेटा क्या है। बट अभी जो निकल के आ रहा है, अभी निकल के यही आ रहा है कि 44 to 45,000 बच्चे अपीयर हुए हैं इस ईयर, ठीक है। कंपेयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 2020 थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, 2,000 to 3,000 बच्चों के अप्रोक्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, बट उतना डिफरेंस नहीं आया है। तो देखिए फिर से यही सिनेरियो बन रहा है पिछले ईयर वाला, बट पिछले ईयर क्या था, पिछले ईयर इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसीलिए पिछले ईयर मार्क्स में आया था और रैंक भी जो मार्क्स के हिसाब से बना था, और पिछले ईयर आपको क्या था, इजी पेपर था, बहुत ज़्यादा इजी, तो उस कारण से कट ऑफ बहुत नीचे तक चला गया था। देखिए सेकंड राउंड थर्ड राउंड तो उतना नहीं गया था, बट फोर्थ राउंड जो हुआ था एक्सक्लूसिव राउंड उसमें कट ऑफ बहुत नीचे चला गया था। अगर हम इस ईयर की बात करें, एक्सपेक्टेशन लगाए इस ईयर कैसा रह सकता है, तो अगर हम दोनों शिफ्ट के पेपर को ध्यान में रखते हुए और जितने बच्चे अपीयर हुए उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पे आपको एस्टिमेट लगाए कट ऑफ कैसा रह सकता है, हाई या लो रह सकता है, तो देखिए तो मेरे हिसाब से जैसा लास्ट ईयर हुआ था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक उतना कट ऑफ नीचे तो नहीं जा गया था, बट जो एक्सक्लूसिव राउंड हुआ था सीट बचे रह गए थे उसमें आपको कट ऑफ बहुत नीचे से चला गया था। इसलिए क्या हो सकता है इस ईयर भी कि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में थोड़ा कट ऑफ हाई रह सकता है, और क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद कट ऑफ हाई रहेगा तो जिन बच्चों को मिलेगा उसका जो चाहेंगे वो लेंगे, फिर बहुत सारा सीट फिर बचा रह जाएगा क्योंकि बच्चे कम बच्चे अपेयर किए हैं, 70,000 करीब यहाँ पे होता है सीट्स, तो उससे कम बच्चे अपेयर हुए हैं तो फिर से सीट बचा रह जाएगा, तो फिर से आगे राउंड्स होंगे तो उसमें जो है कट ऑफ नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि स्टार्टिंग काउंसिलिंग के स्टार्टिंग राउंड्स में कट ऑफ हाई रह सकता है, स्टार्टिंग के काउंसलिंग में कट ऑफ हाई रह सकता है, और जो एंड आएगा काउंसलिंग का एंड आते आते कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमें पिछले ईयर देखने को मिला था कि स्टार्टिंग के काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई रहा था, बट जैसे ही आगे बढ़ा काउंसलिंग एक्सटेंडेड राउंड तक गया उसमें कट ऑफ बहुत नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। तो मुझे लगता है कि इस ईयर भी वही होने वाला है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा और आगे एंड जाते जाते काउंसलिंग के कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा और बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, अभी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो बनाने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स कितना बन सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा रह सकता है, हर एक ब्रांच वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉप 20 में आपको कितना रैंक तक मिलेगा, कितना मार्क्स कितना परसेंटाइल तक मिलेगा, वो सब कुछ हम लाएंगे। एक लैपटॉप वाला वीडियो आने वाला है कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे बच्चों से बोला गया कि भैया लैपटॉप वाला वीडियो लाइए, तो वो भी लाऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो आई होप आपको डाउट क्लियर किया कैसा कट ऑफ इस ईयर रह सकता है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, बट अगर हम पेपर को देखें और बच्चे जितना अपीयर हुए उसके हिसाब से अगर देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ा कट ऑफ हाई रह सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा जो आप लोग जितने लोग भी फोकस्ड हैं वो लोग एकदम पेशेंस रखिएगा, आगे तक जाइएगा, ठीक है, काउंसलिंग के आगे तक जाइएगा और आपको अच्छा सीट्स मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, इस ईयर भी कट ऑफ नीचे तक चला जाएगा लास्ट जाते थे, ठीक है। तो क्या होता नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल सब जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे बहुत सारा आपको कंटेंट मिलने वाला है, कॉलेज कैंपस टूर, कॉलेज रिव्यू, कॉलेज कंपैरिजन, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आगे हम एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह सब कुछ, ब्रांच वाइज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।